Good morning, students. Welcome once again in Eclavie International Online Classes. In the previous video lecture, we have done refraction by the rectangular glass slab. And in the previous video lecture, I also gave you some introduction about the refractive index. Today we will run the refractive index. After that, we will take some introduction about the lenses. सबसे पहले जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती क्या है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली चेंज है किसका, डायरेक्शन का. कब, जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है. तो बेसिकली डेफिनेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन when any ray is entering from one transparent medium to the another transparent medium, या फिर यूँ कह दें कि extent of the changing in direction for a particular media pair, ठीक है, किसी media pair के लिए. तो that is represented by the term of refractive index. उसे refractive index की term से अपन represent करते हैं. जब भी अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो दोनों मीडियाज के अंदर, फर्स्ट मीडिया और सेकंड मीडिया में, जो उनकी वेलोसिटी होती है उन वेलोसिटीज के रेशियो से अपन उसको क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं. और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाली जाती है तो उसे हम शो करेंगे म्यू इज इक्वल्स टू, अब जो भी आप ले रहे हो. देखिए पिछली बार मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी होती है वो किसकी होती है, रे की. वो किस में होती है, वैक्यूम में. देखिए कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड. देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर आप ले रहे हो किसी भी दो मीडियाज, फर्स्ट और सेकेंड मीडिया के रिगार्डिंग जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हो तो n इज इक्वल्स टू, अगर आप 1×2 लिख रहे हो ना, तो ये माना जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडिया के रिगार्डिंग. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडिया रिगार्डिंग टू द फर्स्ट मीडिया. तो जब भी आप ऐसा लिखें तो ऊपर जो वेलोसिटी आती है वो सेकेंड वाले की आती है, यानी वेलोसिटी इन द सेकेंड मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन द फर्स्ट मीडियम. और अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया 2×1 तो अब क्या आ जाएगी, वेलोसिटी इन द फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन द सेकेंड मीडियम. ठीक है, यानी आप इसको शो करेंगे v2 डिवाइडेड बाय v1 और इसको शो करेंगे v1 डिवाइडेड बाय v2. ठीक है, तो जब भी ऐसा किया जाता है तो आप हमेशा सेकेंड वेलोसिटी को, यानी सेकेंड मीडियम की वेलोसिटी को ऊपर रखते हैं. जैसे कि इसमें भी सेकेंड मीडियम की वेलोसिटी को ऊपर रखा गया है. अगर मान लीजिए आपको लिखा जाता है n wg, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इन द ग्लास डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन द वाटर. तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इस यूनिट को देखकर ही बता सकते हैं कि किस किस का मीडियम लिया हुआ है. कई बार आपको ये इस तरीके से ना मिलके सिर्फ एक ही मिलता है,
जैसे कि एन एम। अब ये एन एम का मतलब क्या है कि वन मीडिया ही है, ऐसा कब होगा? और ऐसे मीडिया को क्या कहा जाता है? ऐसे मीडिया को कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वो सिर्फ एक ही मीडिया का होता है। कैसे? क्योंकि एक मीडिया जो लिया जाता है उसके रिगार्डिंग, वो कौन सा लिया जाता है? वो लिया जाता है वैक्यूम। उसे क्या कहा जाएगा? वैक्यूम कहा जाएगा। यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे वाटर का निकालना है आपको, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो एक तो आपको वाटर लेना ही है, दूसरा कौन सा मीडिया लेना पड़ेगा आपको? दूसरा लेना पड़ेगा आपको जो वैक्यूम वाला है। कई बार आप एयर भी ले लेते हैं। इसका रीज़न ये है कि एयर और वैक्यूम दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, किसका? वेलोसिटी का डिफरेंस, वो ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए दोनों को अपन क्या मान लेते हैं? कंपैरेटिवली सेम ही मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा दिया हुआ है, जैसे एन जी दिया हुआ है, एन डब्ल्यू दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? ये उस पर्टिकुलर मीडिया के अंदर, जैसे ग्लास के अंदर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डब्ल्यू का मतलब क्या है? ये वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। देखिए, आपको एक टेबल दे रखी है आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर, जिसमें पर्टिकुलर जो आपके आर्टिकल्स होते हैं, जैसे एयर के अंदर है, आइस में है, आप अपनी बुक को कंसिडर कीजिएगा, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं। ठीक है, तो ऐसे वाले जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, वो पर्टिकुलर किसके रिगार्डिंग लिए जाते हैं? वैक्यूम के या फिर एयर के रिगार्डिंग लिए जाते हैं। देखो, इनको निकालने का जो इस, जैसे एन एम को निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाएगा, वो कैसे निकाला जाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है वैक्यूम के रिगार्डिंग, और वेलोसिटी जो होती है वैक्यूम में, उसे सी माना जाता है, और सी किसके इक्वल मानी जाती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकंड के इक्वल, हमेशा ध्यान रखिएगा। और जब भी किसी मीडिया का, किसी भी मीडिया का, जैसे ग्लास का, वाटर का, किसी का भी, जब आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे होते हैं, तो आप क्या लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर, एयर में भी उतनी ही मान लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा वेरिएशन होता है, और नीचे लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडिया, जो भी मीडियम ले रहे हो, जैसे एन जी निकाल रहे हो, तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई मीडियम का नाम लिख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, इसको निकाल रहे हो, तो इसका क्या निकालोगे? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, जो भी जिसका भी एब्सोल्यूट मास ले रहे हो, उसकी वेलोसिटी कहाँ आ जाएगी? नीचे की तरफ आ जाएगी। तो एन एम को आप लिख क्या सकते हो? इसको तो अपन ने सी ही माना है, और मीडियम में वेलोसिटी भी, तो किसी भी मीडियम के लिए जो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसको अपन इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एन एम, जैसे एन जी निकाल रहे हो, तो यहाँ पे अगर आपने एन जी निकालना है, तो आप क्या लिखोगे? सी डिवाइडेड बाय वी जी, ठीक है, ये निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो आपको पता ही है, क्योंकि ऊपर क्या लेते हैं अपन? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, जो कि सी के इक्वल होती है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द ग्लास, तो वी जी लिख दिया। अब जैसे एन डब्ल्यू निकालना चाहते हो, तो सी डिवाइडेड बाई वी डब्ल्यू, जिसका भी निकालना चाहो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उनमें वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। वो वेरिएशन कैसा है भाई? आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या है? डायरेक्शन चेंज है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज है, तो जो डेंसर होगा,
जो डांसर होगा उसके अंदर आपकी जो रे है वो ज़्यादा डेविएशन शो करेगी, और जो रेयरर होगा उसके अंदर डेविएशन कम हो जाएगा, ज़्यादा जो रेयरर होगा उसके अंदर डेविएशन ज़्यादा होगा, डांसर में कम हो जाएगा, यानी वो नॉर्मल के पास आ जाएगी डांसर में और रेयरर में दूर चली जाएगी। ये अपन पहले कर चुके हैं। लेकिन जब आप कंपैरेटिवली जब आप देखते हैं उस टेबल में भी देखिएगा, दो चीज़ें अपन कंसिडर कर रहे हैं, एक पर्टिकुलरली कैरोसिन का और एक है वाटर का। इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको, वाटर का दे रखा है आपको 1.33 और कैरोसिन का 1.44, राइट 1.44, ये दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन इससे पता क्या चल रहा है, इससे तो ये पता चल रहा है कि इसके अंदर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका मतलब ये क्या है, डांसर नहीं है, ठीक है, और ये ज़्यादा डांसर है। लेकिन जब आप इन दोनों को साथ में मिक्स करते हो तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी, कैरोसिन ऊपर फ्लोट करता है और वाटर नीचे रह जाता है, इसका मतलब तो क्या है, डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, वाटर की ज़्यादा है, इसलिए वो नीचे की तरफ है। लेकिन यहाँ पे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू आप क्या कह रहे हो कि वाटर इज़ लेस डेंसर। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए अपन डेंसर और रेयरर लेते हैं तो ऑप्टिकली डेंसर और रेयरर लिया जाता है। और जो अपन वे के उसके रिगार्डिंग ले रहे हैं वो है मास, मास डांसर और रेयरर, मास के बिहाफ पे डांसर और रेयरर। तो ये ऑप्टिकली डांसर और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम की अपन बात कर रहे हैं जब भी अपन लाइट की बात कर रहे होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कैरोसिन जो होता है वो मास के बिहाफ पे तो रेयरर मीडियम है दैन दी वाटर, लेकिन ऑप्टिकली अगर डेंसिटी की बात की जाए तो ये ऑप्टिकली डेंसर होता है किसके बजाय, वाटर के बजाय, यानी वाटर इज अ रेयरर मीडियम दैन दी कैरोसिन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे अपन, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई चीज़ जो कि कोई भी थिंग जो कि ऑप्टिकली डेंसर है वो ज़रूरी नहीं है कि मास के अंदर भी डेंसर हो, इट मे बी रेयरर इन द मास डेंसिटी। मास डेंसिटी उसकी क्या हो सकती है, रेयरर हो सकती है या कम हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही ये भी कहा जा सकता है कि जो ऑप्टिकली क्या हो, रेयरर हो, वो ज़रूरी नहीं है कि मास के अंदर भी उसकी डेंसिटी क्या रहे, रेयरर रहे, वो डेंसर भी हो सकती है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग टर्म्स है, एक मास डेंसिटी है, एक ऑप्टिकल डेंसिटी है। जब मास डेंसिटी की बात करते हैं तो वो अलग रिगार्डेशन होता है, और ऑप्टिकल डेंसिटी की बात जब अपन करते हैं तो लाइट की बात कर रहे होते हैं कि लाइट का डेविएशन ज़्यादा किस में आ रहा है, ठीक है। तो लाइट जिसके अंदर धीमे ट्रैवल करती है, कम ट्रैवल कर पाती है, या जिसके अंदर ज़्यादा कोलिजन देखने को मिलता है, वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहा जाता है। और जिसके अंदर लाइट बहुत तेज़ी से ट्रैवल करती है, स्पीड ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है, उसे हम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कैरोसिन को ऑप्टिकली क्या कहा जाएगा, डेंसर मीडियम कहा जाएगा दैन दी वाटर, बट अकॉर्डिंग टू द मास डेंसिटी इट विल बी रेयरर दैन दी वाटर, क्योंकि ऊपर फ्लोट करेगा, ऑयल्स को देखा होगा वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हम मास डेंसिटी को ऑप्टिकल डेंसिटी से क्या नहीं कर सकते, मैच नहीं कर सकते या कंपेयर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। कोई भी मीडियम मास डेंसिटी में जो रेयरर हो सकता है वो ऑप्टिकल डेंसिटी में डेंसर भी हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट आपके लेंसेज पे। लेंस देखिए, लेंस क्या है, लेंस है ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियाज जिनका जो आउटर स्फीयर होता है वो टू स्फेरिकल पार्ट्स से मिलकर बना हुआ होता है। तो लेंसेज जो होते हैं
वो दो तरीके के होते हैं, आपको पता ही है। लेंसेस के अंदर अपन बात करेंगे स्फेरिकल लेंसेस की सिर्फ। ठीक है, कौन कौन से होंगे? वही कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए, कॉन्वेक्स लेंस की बात अगर करें तो इस कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। उल्टा है बिल्कुल, किससे? मिरर से। इसमें कॉनकेव को कह रहे थे अपन कन्वर्जिंग, इसमें कॉन्वेक्स को कहा जाता है। और कॉनकेव को क्या कहा जाता है यहाँ पे? डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है कि दोनों स्फेरिकल सरफेस किससे बनी हुई होती है? कॉन्वेक्स मिरर की बनी हुई होती है। आउटर सरफेस इज रिएक्टिंग एज अ, उसमें क्या हो रहा था? रिफ्लेक्शन हो रहा था। इसमें क्या होगा? रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडिया है ना, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। और इसमें बोथ सरफेस मेड बाय द कॉनकेव मिरर्स, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, हमेशा कॉन्वेक्स लेंस बीच में से मोटा होता है और किनारों पे से पतला होता है। और कॉनकेव लेंस की अगर बात की जाए तो ये बीच में से पतला होता है और किनारों पे से मोटा होता है। जब अपन इनके फॉर्मेशन की बात करते हैं कि ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं, तो इसके अंदर अपन बात करते हैं, जैसे अपन मिरर के अंदर एक सर्कल से उनको कट कर रहे थे, वैसे इनके लिए अपन बात करेंगे दो सर्कल्स की, कि दो सर्कल के दो रिफ्रैक्टेड सरफेस अपन ने काटे और उन दोनों को जॉइंट करके अपन ने लेंसेस का फॉर्मेशन कर। देखो, जैसे पहले बात करते हैं कॉन्वेक्स, इसकी ये वाली जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो इस वाले सर्कल से काटी हुई मानी जा सकती है, तो ये वाली जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो अनदर सर्कल से कट होगी। ठीक है, तो आपको याद होगा कि पिछली बार अपन ने इसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा था। तो लेंसेस के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं वो टू टू होते हैं, क्योंकि इसमें दो सर्कल्स अपन मानते हैं और दोनों का कटा हुआ मानते हैं। तो इसमें दो हैं, C1 और C2, इसका सेंटर यहाँ से होगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाले के लिए, कॉनकेव के लिए इसको भी अपन क्या मानेंगे? टू सर्कल्स का पार्ट मानेंगे। देखिए, सर्कल है नहीं बन पा रहा, इसको बोलेंगे C1, इसको बोलेंगे C2। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन किया जाता है, यानी दो सर्कल से दो
रिफ्लेक्टिंग सरफेस काटी जाती है और उन रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जोड़ के एक लेंस का फॉर्मेशन हो जाता है और वो शो करता है रिफ्रैक्शन, नॉट अ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे दो कॉन्वेक्स मिरर्स मिलके एक लेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं और यहाँ पर दो कॉनकेव मिरर्स मिलके एक लेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही जो सरफेस है रिफ्रैक्टिंग सरफेस वो दोनों ही कैसी है, स्फेरिकल सरफेसेस। आप जब अपन बात करते हैं इनके टर्म्स की, क्योंकि अपन ने मिरर के लिए भी टर्म्स यूज़ करी थी, क्योंकि रे डायग्राम्स जब अपन बनाएंगे तो इनके टर्म्स को फॉलो करके अपने को बनाना पड़ेगा, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मिरर और इसके अंदर। जैसे अपन ने वहाँ पे पोल लिया था वैसे यहाँ पे अपने को लेना है ऑप्टिकल सेंटर, ये वाला, इसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, ठीक है, और ओ से सिंबलाइज किया जाता है इसको। वहां पे पोल को पी से सिंबलाइज कर रहे थे, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है तो इसको किससे सिंबलाइज किया जाएगा, ओ से सिंबलाइज किया जाएगा। सेकंड देखिए, फर्स्ट हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, सेकंड अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर, देख लिए थे, दो थे, कौन कौन से होते हैं, C1 एंड C2, ठीक है। थर्ड रेडियस क्या होगी, रेडियस डिस्टेंस बिटवीन OC1 और OC2, C1 और O के बीच की डिस्टेंस और C2 और O के बीच की डिस्टेंस दोनों ही क्या होंगी, रेडियस होगी। उसके बाद बात करें थर्ड फोर्थ की प्रिंसिपल एक्सिस, तो देखिए दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली और पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर जो लाइन होती है उसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो फोर्थ आपके आ गए टर्म प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें भी खींच लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ C1 मान लीजिए, यहाँ C2 मान लीजिए, C1 C2 प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है अपर्चर, ये लीजिए ये क्या है अपर्चर, डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड टू सेकेंड एंड दोनों के बीच की डिस्टेंस मिड डिस्टेंस अपर्चर कहलाती है। तो फिफ्थ टर्म हो गई आपके पास अपर्चर। सिक्स्थ फोकस, और सेवेंथ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ तो ओ एफ जो आएगी, स्मॉल एफ कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे अपन फोकस को, तो डिस्टेंस बिटवीन द ओ एंड एफ, ओ एफ जो डिस्टेंस आएगी वो क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ कहलाएगी। अब फोकस कैसे निकालेंगे भाई, जैसे कि अपन ने कहा कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या है, कन्वर्जिंग, और कॉनकेव लेंस क्या है, डाइवर्जिंग। तो उससे ही पता चल जाना चाहिए था कि जिस तरीके से अपन ने कॉनकेव मिरर की निकाली थी वैसे तो निकलेगी किसकी, कॉन्वेक्स वाले की, और जिस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर की निकाली थी वैसे निकलेगी कॉनकेव की। तो देखिए फोकस कॉन्वेक्स का निकालते हैं पहले, इसके लिए इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना दीजिए पहले, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इन्फिनिटी से आने वाली जितनी भी रेज होगी वो सारी की सारी
अपर्चर पे आने के बाद क्या होगी, डाइवर्स हो जाएगी, कन्वर्स हो जाएगी, डाइवर्स नहीं कन्वर्स, एक ही पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही पॉइंट पे कन्वर्स हो जाएगी। ये कर्वेचर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये आ गया फोकस, ठीक है। तो इसे कहा जाएगा प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। वैसा ही एक्सपेरिमेंट होगा इसके अंदर भी, जैसा अपन ने मिरर के लिए लिया था। इस बार अपने को लेंस लेना है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, उससे भी कर सकते हो आप। उसको पॉइंट करिए किसकी तरफ, सनलाइट की तरफ, और एक पॉइंट की फॉर्म में उसके रेस को पेपर पे आने दीजिए। और जब वो उस पॉइंट के ऊपर काफ़ी टाइम तक आप उस पॉइंट को एज इट इज बना के रखेंगे, थोड़ी देर में वो इग्नाइट होगा और थोड़ी देर में सुगल लगना शुरू कर देगा, यानी आग पकड़ लेगा। उसका रीज़न पहले भी बता चुकी हूँ कि मिरर के अंदर भी जो सन होता है वो अपनी इमेज बना रहा होता है, जितनी भी रेज होती है उसकी सारी एनर्जी उस पॉइंट पर ही आकर इकट्ठी हो रही होती है। तो इतनी सारी एनर्जी को पेपर क्या नहीं कर पाता, अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और क्या हो जाता है, बर्न होना शुरू हो जाता है। ये तो था कॉनवेक्स का, कॉनकेव का डाइवर्स होगी भाई। तो जो इसमें प्रिंसिपल फोकस बनेगा वो रियल नहीं बनेगा, डॉट डॉट करके बनाना पड़ेगा आपको। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, पैरेलल लाइंस क्या होंगी, ये डाइवर्स हो जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको, पीछे की तरफ मिलाना पड़ेगा, जिस भी पॉइंट पे जाके ये मिलेंगे उस पॉइंट को कहा जाएगा फोकस, ठीक है। तो ये हो गया कॉनकेव लेंस के लिए फोकस, फोकल लेंथ, इनके बीच की डिस्टेंस ओ एफ, पिछले वाले में भी ओ एफ जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन करेंगे रेज, जो कि रे डायग्राम के लिए यूज़ की जाएगी, इम्पॉर्टेंट रेज, और उसके बाद चलेंगे अपन रे डायग्राम्स के लिए, लेंसेज के रे डायग्राम्स के लिए। तो इसके बाद वन या टू वीडियोज़ में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इस चैप्टर के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम अभी तक आई नहीं है आपको, इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, या फिर न्यूमेरिकल्स कर ही नहीं रहे, और अगर आ रही हैं प्रॉब्लम्स तो जितनी जल्दी हो सके मेरे पास भेजिए, ताकि इसके कम्प्लीशन के जस्ट बाद उन क्वेरीज को लेकर अपन एक वीडियो आपको अपलोड कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।